एशियन मेडल लेने का तो हम लोगों ने सपना है, तो भारत माता की जय तो बहुत जोरदार होनी चाहिए और यहाँ पर तो ऐसी होगी कि पूरी दुनिया सुनेगी, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सबसे पहले तो मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस पूरे सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब के हर एक व्यक्ति को। आपने जो काम किया है, आप लोग मिलकर जो काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल एक असंभव सा काम है। और खासकर जब मैंने अभी ये सुना कि यहाँ से 35-40 बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी सरकारी नौकरियां लगी हैं इस स्पोर्ट्स में आने के बाद, तो आप पीढ़ियां बदल रहे हैं, लोगों की जिंदगी, उनके परिवार, उनका मुकद्दर, उनकी तकदीर आप लोग बदल रहे हैं। और इसमें मेरे मन में एक भावना यह भी आती है कि जो यमुना मैया के आसपास रहता है, जो यमुना मैया की सेवा करता है, क्योंकि आप लोग इस पूरे परिसर का रख रखाव भी करते हैं, इसको साफ सुथरा भी रखते हैं, यहाँ पे क्रिएटिव एक्टिविटी करते हैं, तो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी भी नहीं हो पाती। तो जो यमुना की तस्वीर बदलता है, यमुना उसकी तकदीर बदल देती है। और यही यहाँ के जो बच्चे हैं पूरी दुनिया में आज जा रहे हैं, सोनिया विहार जैसे इलाके में रहने वाले बच्चे, बहुत ही साधारण परिवेश, बहुत ही साधारण परिवारों से आने वाली लड़कियां और पूरी दुनिया में जा रही हैं, पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रही हैं, जीत के आ रही हैं, मेडल लेके आ रही हैं। और देश में भी जहां पे जाते हैं, मुझे अभी बताया कि मनाली में गोल्ड आप लोगों ने राफ्टिंग में जीता है, लड़कियों की जो टीम थी बहुत शानदार है, बहुत गर्व है आपके ऊपर। और दुर्गा मैया के नवरात्रे चल रहे हैं, आज अष्टमी का दिन है, मेरे को लगता है साथ साथ दुर्गा आप लोगों ने यहाँ पे तैयार करके रखी हुई है, ये पूरी सेना माँ दुर्गा के अवतारों की। और उनका परिवार जो अपने बच्चों को यहाँ पे भेज रहा है, हर एक अभिभावक जो माता पिता है, उन सबको बहुत प्रणाम और आभार कि आप अपने बच्चों को यहाँ पर भेज रहे हैं, उनको ये ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। और ये भरोसा रखिए कि जिसका बच्चा यहाँ पे आ रहा है ट्रेनिंग करने के लिए, आपके पूरे परिवार, पूरे जो पीढ़ियां हैं, उनका एक मुकद्दर आपका बच्चा बदल देगा। पूरी दुनिया में आपका, अपने माता पिता का, इस देश का, इस मिट्टी का और हमारे सोनिया विहार का नाम रोशन करेगा। पॉल साहब जो यहाँ पर है, मैं उनका भी शुक्रिया करना चाहता हूँ। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने शुरू से बहुत मदद की है, मुझे मालूम है शुरू में बोट तक दिलवाने की जब बात आती थी, ड्रेस दिलवाने की बात आती थी, आप लोगों ने आउट ऑफ वे जाकर इन लोगों की मदद की है। और सीरियसली एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी, क्योंकि ये बन ही नहीं पाता, शुरुआत में लगभग कुछ भी नहीं था, जब टूरिज्म डिपार्टमेंट के आप सब लोगों ने यहाँ पर मदद की, ये पहचाना कि बच्चों का हुनर है। और मैंने भी पिछली बार कई बार ये बात देखी कि सरकार अगर कुछ नहीं भी कर पा रही है, तब भी आप लोगों ने सुनिश्चित किया कि यहाँ पर इवेंट भी होगा और फैसिलिटी भी मिलेगी। अब तो धीरे धीरे बढ़ रही है आप लोगों के पास फैसिलिटी, लोकल बैठे हुए हैं, त्रिलोचन जी सर बैठे हुए हैं, हमेशा एक अभिभावक की तरह आशीर्वाद बनाकर रखते हैं। और ये पूरी टीम अगर कहीं हमसे भी कोई डिले होता है किसी काम में, तो बिल्कुल पीछे पड़ के काम कराने के लिए तैयार रहते हैं। तो अभी कर्नल साहब ने कहा है कि एक प्रोजेक्ट यहाँ पे तैयार है और एक सपना हमारा पिछले एक साल से पेंडिंग है। ये मेरी शिकायत है कि ये नेशनल गेम एक साल पहले यहाँ पे कराने की बात हुई थी, उस पर आप लोग फॉलो अप नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आप लोग गए होंगे सरकार के पास, अधिकारियों के पास, कोई काम रुका होगा, आप मेरे पास जहां पर भी रुका है आप मेरे पास लेके आइए। सरकार पैसा नहीं देगी तो हम पैसा इकट्ठा करके करेंगे, हम फंड रेज करेंगे दुनिया में कहीं से भी। आप मेरे को प्रोजेक्ट प्रपोजल दीजिए, यहाँ पे नेशनल गेम कराने हैं, उसमें कितना भी खर्चा आएगा, कितने भी रिसोर्सेस चाहिए होंगे, कहीं से भी दुनिया से लेके आने हैं, मैं लाके दूंगा आपको। मेरी एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं लाके दूंगा, आप यहाँ पे इवेंट कराइए। और यहाँ पे नेशनल गेम अगर एक बार हम लोगों ने करा दिए, अभी तो आप स्कूल लेवल के नेशनल गेम की बात करके गए हैं, आप एक बार यहाँ पे करा दीजिए, उसके बाद अपने यहाँ फैसिलिटी आएगी। आप ये जीरो पुश्ते से लेके तीसरे पुश्ते तक का जितना एरिया आपको अपने एक्सपेंशन के लिए चाहिए, तैयारी के लिए चाहिए, फैसिलिटीज के लिए चाहिए, आप उसको एक बार डिजाइन करके मेरे को बताइए। ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपको रिसोर्स भी मिलेंगे, जगह भी मिलेगी और पूरी छूट आपको मिलेगी, जैसे जैसे भी करना हो। मेरे विधायक फंड से भी जब मेरे को कुछ देने का पॉसिबल होता है, तो जिम वगैरह जब पॉसिबल हुआ तो दिया। लाइट के लिए भी कुछ सुविधाएं की है, एक बड़ी हाई मास्ट लाइट मैंने अभी अप्रूव की है, जो आपको लगभग नवंबर के अंत तक वो भी मिल जाएगी, तो उससे बाकी आगे कनेक्शन भी आप लोग ले पाएंगे। तो आप बस इन बच्चों को जैसे प्यार से आप ट्रेन कर रहे हैं, इस पूरी टीम को, और मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ बीएसएफ का भी, राजदीप के जो जवान है उनका भी। आप लोग भी मेरे पास आए थे, कुछ यमुना के किनारे जो कट रहे हैं उसमें पत्थर लगवाने के लिए, वो फ्लड को दे दिया है। अगली बार की जो टेक्निकल कमेटी है उसमें प्रस्ताव पास हो जाएगा, तो पीछे तक तो कर दिया, ये पूरा किनारा हम लोग सुरक्षित कर लेंगे पत्थर से। इस बार उसका टेंडर हम लोग करने जा रहे हैं। बेंच आप लोगों को चाहिए थी तो
तो बेंच भी मेरे ख्याल से हमने 15 दिन का टाइम मांगा है, बेंच भी आपके यहाँ पे हम लोग भिजवा देंगे। तो जो भी बेसिक सुविधाएं आप लोगों को चाहिए वो हम दिलवाएंगे, बस आप इसी तरह ट्रेन करते रहिए, जीतते रहिए। और एशियन मेडल का प्रॉमिस आपने किया है, वो एक बार हमारे क्षेत्र में लाके दिखा दीजिए। पूरी दिल्ली में इतना शानदार यात्रा आप लोगों की हम लोग निकालेंगे कि पूरी दुनिया देखेगी। बहुत बहुत आभार मेरे को अपने साथ जोड़ के रखने के लिए, परिवार की तरह, और मिलके हम लोग इसको और आगे। मनोज तिवारी जी बहुत उत्सुक थे, बहुत ही ज्यादा उनकी इच्छा थी यहाँ पे आने की। जब पहली बार हमने उनसे कहा तुरंत वो तैयार भी हो गए और बिल्कुल आने ही वाले थे। लगभग एक घंटा पहले ही उनका फोन आया कि कोई बहुत जरूरी काम आ गया है जिसके कारण वो नहीं आ पाए। उन्होंने आप सबके लिए शुभकामनाएं भेजी हैं, आपको गुड लक विश किया है, और सांसद के नाते भी जो भी आवश्यकता आपको संसाधनों की पड़ेगी उन्होंने ये व्यक्तिगत तौर पे भरोसा दिलाया है कि वो सारी तरह से आपकी मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद।